दोस्तों अब घर में आसानी से उगाए चेरी टमाटर, देखिए इसका आसान तरीका। दोस्तों चेरी की बुआई बीजों के माध्यम से की जाती है। इसे आप अपने नजदीकी नर्सरी या बीज भंडार से ले सकते हैं और घर में मौजूद किसी भी मिट्टी के बर्तन को चेरी उगाने के लिए गमले के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। और अब खेती किसानी में नई तकनीकी आने के बाद अब विदेशी फसलों की भी आसानी से खेती होने लगी है, जबकि चेरी टमाटर भी इन्हीं फसलों में से एक है। और चेरी की खेती किसानों के बीच बेहद मशहूर होती जा रही है, क्योंकि इसे आप अपने घर के छोटे से बगीचे में उगाकर अच्छी खासी पैदावार ले सकते हैं। और आपको बता दें कि चेरी टमाटर की कई किस्म आती है, जैसे काली चेरी, चेरी रोमा, टोमेटो टो, करेट और येलो पियर प्रमुख है। और चेरी टमाटर की खासियत यह है कि इसे बोना बेहद ही आसान है। घर में मौजूद किसी भी मिट्टी के गमले या इसके अलावा आप बाजार से भी गमले खरीद सकते हैं। इसके बाद गमले में पूरी तरह मिट्टी और गोबर खाद को मिलाकर गमले में भर दें। फिर गमले में पानी डाल दें जिससे मिट्टी गीली हो सके। फिर 10 से 15 मिनट बाद बीज को मिट्टी के ऊपरी परत के नीचे ही बोएं। फिर इसके ऊपर हल्की हल्की गोबर खाद का छिड़काव करें। और गर्मी के समय में इसे थोड़ा ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो इसे भी आप ध्यान रखें। और इसके पौधे में फंगल इन्फेक्शन के लगने का खतरा ज्यादा होता है, इससे बचाने के लिए आप मिट्टी में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल का छिड़काव कर सकते हैं। और आप सबको बता दें कि चेरी टमाटर की बुआई के 2 से 3 महीने में इसका पौधा फल देने को तैयार हो जाता है। और चेरी टमाटर हमारे सेहत के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है, क्योंकि चेरी टमाटर कब्ज से राहत दिलाने में बेहद काम आता है। इसके अलावा यह कैंसर की कोशिकाओं को मारने की क्षमता भी रखता है और आँखों की रोशनी के साथ साथ यह हमारे मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाता है। यह वजन कम करने में भी बहुत लाभदायक होती है और बाल झड़ने जैसी समस्याओं से भी बचाता है। तो है ना दोस्तों फायदे की बात। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय किसान, जय भारत।